स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरह का होता है वो आज हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे. तो जो मैन होते हैं वो क्या होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं. किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर. हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल तो कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है. एग, हनी, मिल्क वो कहाँ से मिलता है हमें, एनिमल से मिलता है. तो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर. दैट्स व्हाई मैन को क्या बोला जाता है, ओमनिवोर्स बोला जाता है. अब जो ह्यूमन्स होते हैं उनके डाइजेशन कैसे होता है, किस तरह फूड का यूटिलाइज होता है, कैसे फूड की डाइजेशन की स्टार्टिंग होती है, लास्ट पार्ट कौन सा होता है. तो जो फूड होता है वो सबसे पहले पास होता है बक्कल कैविटी में और ख़त्म कहाँ पे जाके होता है, एनस में. तो सबसे पहला जो स्टेप आता है हमारा प्रोसेस का वो आता है इंजेशन. इंजेशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है या एनिमल होता है वो फूड का क्या करता है, इनटेक करता है. इसमें कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है, वो होता है माउथ. माउथ को हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, बक्कल कैविटी. अब इसमें भी कुछ अलग अलग पार्ट्स होंगे जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे, च्यू करने में हेल्प करेंगे. सेकेंड आता है डाइजेशन. डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन होता है किसके अंदर, सिंपलर फूड के अंदर. डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस में जाके क्या होता है, ख़त्म होता है. डाइजेशन जो होता है एक कॉइल ट्यूब के थ्रू होता है. इस तरह के ट्यूब होते हैं जो कॉइल होते हैं उसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल. क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल. जो फूड होता है जब हमारी बॉडी में डाइजेस्ट करता है तो उसके डाइजेशन में अलग अलग डाइजेस्टिव जूस और अलग अलग एंजाइम हेल्प करते हैं. जो कौन सीक्रेट करता है, हमारी बॉडी की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स उनको क्या करती हैं, सीक्रेट करती हैं. ये जो ग्लैंड होते हैं ये डाइजेस्टिव जूस और कुछ एक पर्टिकुलर एंजाइम्स को क्या करेगी, सीक्रेट करेगी. नेक्स्ट आता है हमारा जो अब क्या क्या ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन में. तो सबसे पहला जो ऑर्गन होता है वो माउथ, ओएसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस. ये वो ऑर्गन होते हैं जो डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. तो सबसे पहला हमारा ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है, माउथ होता है. माउथ को हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं. बक्कल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं और टंग प्रेजेंट होती है. जो टंग होती है वो क्या होती है, मस्कुलर ऑर्गन होती है जो फूड को टेस्ट करने में हेल्प करती है. जो टंग होती है वो मस्कुलर ऑर्गन होती है. इसका वर्क क्या होता है, ये फूड को टेस्ट करने में हेल्प करती है. सेकेंड जो ऑर्गन बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है वो है टीथ. टीथ जो होते हैं वो फूड को ग्राइंड करने में और बाइट करने में हेल्प करते हैं. टीथ बेसिकली ह्यूमन बींग्स के अंदर फोर टाइप के होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर. जो टीथ होते हैं ह्यूमन बॉडी में उनके ऊपर एक हार्ड और शाइनिंग कवरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं. पर जो बेबी बोन होता है उसके पास टीथ नहीं होते. जैसे जैसे पर्टिकुलर एज आती है तो जो उसके टीथ होते हैं वो कहलाते हैं मिल्क टीथ, जो बाद में रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ से. इससे परमानेंट टीथ से अब जो टीथ होते हैं वो फोर टाइप के होते हैं. सब नंबर फर्स्ट इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर. इंसाइजर्स जो होते हैं वो हमारे फूड को बाइट करने में हेल्प करते हैं और ये फोर इन नंबर होते हैं, ठीक है. सेकेंड आता है कैनाइन. कैनाइन फूड को टियर करने में हेल्प करते हैं. ये होते हैं फोर के बाद टू, मतलब फोर इंसाइजर्स, दो कैनाइन्स प्रेजेंट होंगे. थर्ड आता है प्रीमोलर. प्रीमोलर क्या करते हैं, फूड को च्यू क्रश करने में हेल्प करते हैं. ये इनका नंबर भी कितना होता है, चार होता है. फोर्थ आता है हमारा मोलर. मोलर जो होते हैं वो फूड को क्या करते हैं, ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं. इनका नंबर आता है सिक्स. नेक्स्ट आता है हमारा ओएसोफेगस. ओएसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है, जैसे ही हम माउथ में फूड डालते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है बोलस फॉर्म में. बोलस फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो कहाँ आता है, फूड पाइप में आता है, ओएसोफेगस के अंदर. इसमें कोई भी डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट नहीं होता. इसमें क्या होती है, फूड की डाउनवर्ड मूवमेंट होती है जो कि क्या होती है, यूनिट डायरेक्शनल होती है. जो ये मूवमेंट होती है फूड की डाउनवर्ड मूवमेंट, इसमें क्या होता है, जब फूड डाउन की साइड तरफ मूव कर रहा है तो कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है, पाइप ऐसे ऐसे मूव करती है. उस कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं पेरिस्टेलिसिस, मतलब ये जो वेव लाइक प्रोजेक्शन ऑफर हुई है
बोलते हैं पेरिस्टेलिसिस। अब देखो ये माउथ था, माउथ के माउथ को हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। माउथ उसमें क्या क्या प्रेजेंट थे, हमारे टीथ थी, टंग और कुछ स्लेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट थी जो क्या सीक्रेट करती थी, स्लाइवा सीक्रेट करती थी। जो स्लाइवा होता है वो क्या होता है, फूड के साथ मिक्स हो जाता है, फूड को क्या बनाता है, सॉफ्ट बना देता है। जैसे ही फूड यहाँ एंटर करता है वो बोलस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये जो पाइप होती है ये कॉमन पैसेज होती है फूड का और एयर का, इसको बोलते हैं हम फैरिंक्स। आगे ये दो के अंदर बाइफर्केट हो जाती है, एक हमारे रेस्पिरेशन में चली जाती है, एक डाउनवर्ड आती है। ये नीचे की तरफ आ रही है इसको बोलते हैं ओसोफैगस। ओसोफैगस जहाँ ओपन होती है वो होता है हमारा स्टमक। स्टमक जो होता है वो थिक शेप्ड होता है और जे शेप का ऑर्गन होता है। ये हमारे अब्डोमन के लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लोकेट होते हैं जो क्या सीक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करते हैं। फूड को चर्न होने में स्टमक के अंदर 3 से 4 घंटे लगते हैं। ये क्या, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक सीक्रेट कर रहा था वो क्या करता है, फूड का जो एल्कलाइन बेस होता है उसको कन्वर्ट कर देता है इसके अंदर एसिडिक बेस के अंदर, और कुछ अदर बैक्टीरिया वगैरह को भी वो क्या कर देता है, किल कर देता है। उसके बाद जब फूड हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो टर्न हो जाता है एसिडिक मिल्की पेस्ट के अंदर। उस मिल्की पेस्ट को बोला जाता है चाइन, क्या बोला जाता है, चाइन। फिर आता है लीवर। जो लीवर होता है वो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। लीवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। जो बाइल जूस होता है वो सारा का सारा कहाँ कलेक्ट होता है, हमारी गॉल ब्लैडर के अंदर कलेक्ट हो जाता है। जो कनेक्ट होती है इससे लीवर से कनेक्ट होगी और वो उस जूस को कहाँ रिलीज करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज करती है। ये जो बाइल जूस था ये किसके ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फैट के ब्रेकडाउन के लिए। जो भी हम फैट खा रहे हैं उसको ये ब्रेक डाउन कर देता है जो फैट की ड्रॉपलेट्स के अंदर। ये जो फैट की ड्रॉपलेट्स बनी हैं ये क्या करती हैं, फिर ऑयल वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ मिक्स हो जाती हैं और एक एमल्शन की फॉर्मेशन करते हैं। उस प्रोसेस को बोला जाता है एमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट आता है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो होती है वो लार्ज होती है, इलोंगेटेड ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो हमारे स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। जो पैनक्रियाज होती है ये पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है जो क्या करता है, एसिडिक चाइन को कन्वर्ट कर देता है एल्कलाइन चाइन के अंदर। जो पैनक्रियाज होती है और जो लीवर होता है, लीवर के जो ग्लैंड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं इस एक पाइप के थ्रू, जिसको बोलते हैं हेमेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो जो स्टमक के अंदर फूड था वो कब कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। इसमें जो एसिडिक चाइन जो प्रेजेंट थी स्टमक के अंदर वो क्या हो जाएगी, एंटर करेगी स्मॉल इंटेस्टाइन की कॉइल के अंदर। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की बोल होगी वो क्या सीक्रेट करेगी, इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करेगी जो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फूड को चेंज कर देगा किसके अंदर, सोल्युबल फॉर्म के अंदर चेंज कर देगा। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स थी वो क्या करेगी, फूड को एब्जॉर्ब करेगी, और वो एब्जॉर्ब फूड कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती हैं छोटी छोटी, जिनको क्या बोलते हैं विलाय। विलाय का मेन फंक्शन क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया को क्या कर देती हैं, इंक्रीज कर देती है। अब देखो जो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया फूड का, रिमेनिंग जो अनडाइजेस्टेड फूड या जो वेस्ट बचा था वो कहाँ रह गया, इंटेस्टाइन के अंदर रह गया। नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जो होती है वो हमारी डाइजेशन की लास्ट स्टेज होती है, जिसमें जो ग्लूकोज होता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, वहाँ से क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आके जो फूड था, ग्लूकोज था, वो कंबाइन हो जाएगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एज ए प्रोडक्ट निकालेगा, वहाँ से क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। उस एनर्जी को जो एनिमल्स है वो अपनी बॉडी के अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उस एनर्जी को क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। फोर्थ आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में अब देखो डाइजेशन हमारा कंप्लीट कहाँ हो गया था, एब्जॉर्प्शन सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइन में, अब जो रिमेनिंग पार्ट था वो कहाँ आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में
में क्या आएगा, कुछ जो वेस्ट के अंदर वाटर वगैरह प्रेजेंट थे वो सारा का सारा लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो रिमेनिंग मैटर बचेगा उसको वो कहाँ ट्रांसफर कर देगी, रेक्टम के अंदर ट्रांसफर कर देगी। ये जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है इजेशन। इसमें क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से रिमूव होता है। तो माउथ से फूड खाया और इसोफेगस के थ्रू स्टमक में एंटर हुआ, यहाँ पे कुछ एसिडिक मीडियम में वो क्या हो गया, चेंज हो गया, देन वो एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो कहाँ स्टोर हो जाता है, रेक्टम के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और इजेशन प्रोसेस के थ्रू एनएस के थ्रू वो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा।